दादा अंकल के साथ लगभग 25 ईयर्स से ऊपर काम चल रहा है। मेरे पापा पहले करते थे, अभी मैं कर रही हूँ। बहुत बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट टेस्ट है। इतना सारा इतना मेहनत करके अंकल जो लाते हैं बहुत अच्छा है। पूजा का ना 100 दिन बाकी है, जितना भी कलेक्शन है अभी असमसुल पूजा का कलेक्शन के लिए है। कुर्ती है, लॉन्ग फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक है, क्लाचा है, घाघरा चोली है, पार्टी फ्रॉक है, वेस्टर्न भी है अपना। धारा तो मेरा जान है और इतना फेयर सबसे फेयर अच्छा होगा আসানসোল মে জিতনা ভি কিয়া সবসে বেস্ট এখানে আসার মেইন রিজনটা কি মানে কি জন্য টানে এখানে আসার জন্য টান মানে আমাদের সব কলিগ থাকে তো বিএন গাটির বাড়ি আমরা আসি আর কালেকশন কালেকশন তো আছেই কালেকশন এখানে না হলে আমাদের বিএন টিতে দুর্গা পূজা আনে মে বাস আব কুছ হি মেনে বাকি রহ গয়ে হ্যাঁ। इसी को देखते हुए हर साल की तरह इस साल भी आर एजेंसी एंड रौनक ट्रेडिंग द्वारा आसनसोल के द ग्रैंड होटल में 2 दिवसीय गारमेंट्स फेयर लगाया गया, जहां पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी देश के कोने कोने से चुनिंदा कपड़ों के कंपनियों ने भाग लिया। आर एजेंसी एंड रौनक ट्रेडिंग के कर्ता धर्ता शंभू अग्रवाल के पुत्र केशव अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष काफ़ी खुदरा दुकानदारों ने ऑर्डर दिया, जिससे कपड़ा कंपनी के व्यापारी बहुत संतुष्ट हुए। वहीं कपड़ा कंपनी के व्यापारियों ने भी इस तरह के गारमेंट्स फेयर का स्वागत करते हुए कहा कि आसनसोल कपड़े के व्यापार के मामले में बहुत आगे बढ़ गया है, आसनसोल के खुदरा व्यापारियों से बहुत प्यार मिल रहा है। वहीं खुदरा व्यापारियों ने भी कहा कि आर एजेंसी एंड रौनक ट्रेडिंग द्वारा लगाए गए गारमेंट्स फेयर से हम जैसे दुकानदार उचित मूल्य में दुर्गा पूजा की ऑर्डर कर लेते हैं, और इस वर्ष तो और भी वैरायटी लगाई गई है। दुर्गा पूजा के अधिकतर ऑर्डर इसी गारमेंट्स फेयर से हो गई है। यहाँ पर क्या ना पूजा का हिसाब से आया, पूजा का ना 100 दिन बाकी है, जितना भी कलेक्शन है अभी असमसुल पूजा का कलेक्शन के लिए आया। हम लोग दिवाली का कलेक्शन बाद में निकलेगा, अभी दुर्गा पूजा है उसी हिसाब से नया कलेक्शन लेकर आ गया। कलेक्शन में आप लोग क्या क्या रखे हैं? पूरा मेंस वेयर जेंट्स पूरा है, कलकत्ता का जितना मेन ब्रांड है। आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या है? गेम ड्रेसेस है, गेम ड्रेस कुर्ती है, लॉन्ग फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक है, क्लाचा है, घाघरा चोली है, पार्टी फ्रॉक है, वेस्टर्न भी है अपना। दादाजी का पैर में आसनसोल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, दारा तो मेरा जान है और इतना फेयर सबसे फेयर अच्छा होगा आसनसोल में, जितना भी फेयर होगा सबसे बेस्ट। कस्टमर भी कल 250 से ऊपर 260 हो गया, आज भी 100 कस्टमर से ऊपर टारगेट है। आपका नाम और आप कहाँ से? मैं कलकत्ता से आया, दिलावर मंडल, DM Gadgets। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, बहुत साल से काम चल रहा है हम लोग का। दारा अंकल के साथ लगभग 25 ईयर्स से ऊपर काम चल रहा है। मेरे पापा पहले करते थे, अभी मैं कर रही हूँ। क्या आप इधर ही रहते हो आसनसोल में? उखड़ा में, मैं उखड़ा से आई हूँ। हम लोग का फार्म का नाम है स्टेप इन फैशन उखड़ा। इधर का कलेक्शन कैसे लगता है? बहुत अच्छा, बहुत बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट टेस्ट है। इतना सारा इतना मेहनत करके अंकल जो लाते हैं बहुत अच्छा है कलेक्शन। और प्राइस क्या होता है? प्राइस भी बहुत सही है, बहुत सही। थैंक यू सो मच, प्लीज एंजॉय। কতবার আসা হচ্ছে? ফোর্থ টাইম আসা হচ্ছে এবং মানে চারবারই আসছেন? হ্যাঁ, চারবারই এসেছি এবং দুদিন করে এসেছি। বা মানে প্রত্যেকটা দুদিনই উনি মিস করেন না। আর এখানে কালেকশন কি রকম লাগছে? আমার তো বেস্ট অপশন আর এজেন্সি রনক ট্রেডিং। আপনি কোথা থেকে আসছেন? ইলাম বাজার। ওখান থেকে এখানে আসছেন, আর প্রাইস কি রকম থাকে? প্রাইস তো আমার যা টেস্ট সম্পূর্ণ ফিলফিল। আর এই ইভেন্টটা কেমন হচ্ছে, মানে এই অর্গানাইজার কি বলতে চান? খুবই ভালো, বেস্ট। তো এখানে কেমন লাগছে, কালেকশন দেখে কেমন লাগছে? কালেকশন ভালো আছে। আর এখানে কি এটা ফার্স্ট টাইম নাকি এটা অনেকবার? অনেকবারই আছে। এখানে আসার মেইন রিজনটা কি, মানে কি জন্য টানে এখানে আসার জন্য? টান মানে আমাদের সব কলিগ থাকে তো, হ্যাঁ, বিএন গাটির বাড়ি আমরা আসি। আর কালেকশন? কালেকশন তো আছেই, কালেকশন এখানে না হলে আমাদের বিএন টিতে হয়ে যায়। আর প্রাইস কি রকম? প্রাইস পকেট ফ্রেন্ডলি তো? না, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা প্রাইস ঠিক আছে। थैंक यू सो मच। इस बार मार्केटिंग हमने बहुत ज़्यादा किया है, कस्टमर ज़्यादा बुलाया है, मैन्युफैक्चरर जितने हैं और भी आए हैं। हम चाहते हैं कि एक ही जगह पे ज़्यादा कंपनी आ जाए, लोगों को एक ही जगह पे ज़्यादा ज़्यादा कंपनी का काम हो जाए, तो उनका भी ये एफिशिएंटली हो जाएगी काम। आपका यही मकसद है रेट पे लगाने का कि और मकसद है बाकी लोकल दुकानदारों के लिए रेट पे लगाने के? सबको सुविधा हो जाती है ना कि वो एक ही जगह पे आके काम वाम करके चले, अपने पसंद से माल ले ले यहीं पर एक ही जगह पर। तो पूजा का बाजार के लिए अभी से आप लोग ने रेट पे लगा दिया है ना? जी सर, पूजा का एक्सक्लूसिव कलेक्शन।
तो इस बार देखा जा रहा है कि तीन फ्लोर में लगाया गया है, इस बार कस्टमर ज़्यादा आए हैं। जी सर। कब से हम रेट में लगा रहे हैं? ये हमारी चौथी साल हो गई, गारमेंट्स फेयर 4.0 बोलते हैं, इसलिए सिर्फ दुर्गा पूजा से पहले ही लगती है। दुर्गा पूजा के पहले लगती है और विंटर कलेक्शन में भी लगती है। बाकी कस्टमर से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सबको पसंद आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, जितना भी हमने इतना अच्छा तैयारी वारी करवाया है अभी तक तो अच्छी, कुछ गलतियाँ होती है वो अगली बार हम सुधारेंगे। बाकी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोग जो आए हैं वो लोग क्या रिस्पॉन्स है? उनको भी अच्छा लग रहा है, ऑर्डर उन्हें मिल जाए बढ़िया, हमारे यही सबसे ज़्यादा वो है, हम बुलाए तो उनको ऑर्डर अच्छे से मिल जाए। आपका नाम और परिचय? केशव अग्रवाल, सन ऑफ शंभू कुमार अग्रवाल। हमारे श्री भैया बोलते हैं आगे चार्टे फेयर हो जाए, सबसे बेस्ट फेयर एटाई हो जाए, क्यों ठीक पिक टाइम ही कर टाइमटा अगस्ट मसाई करा उचित से हिसाब से कर आसानसोल धारावाहिक जो आर एन सी फेयरटा सब तक भलो है। कल के भी 275 कस्टमार एंट्री कर आज के भी 100 मतन कस्टमार एंट्री 70-80 हो गए एखो पर 30-40 कस्टमार एंट्री कर 350 कस्टमार बसि आ सब बड़ा पुजो बसि दिन और बाकी नहीं 90 दिन बाकी आज से ही हिसाब से कस्टमर पिक टाइम माल केंार टाइम एटाई से समय नतून कलेेक्शन भी पूरा चले एजेंसर व्यवहार एत भलो से कस्टमर वनर का ही आसे माल भी कीनते आसे अपनार भलो रिलेशन हिसाब से एजेंसर का आज वनर ऐले हमारे संगे ही आपनर कम्पानी नाम की? हमें DM Dress & Queen Dresses। अपना नाम? दिलावर मंडल।